लास्ट टॉपिक, ऑल दो वी हैव डिस्कस दिस स्लाइटली व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ड्यूअलिटी प्रॉब्लम्स, दिस इज द लास्ट सेक्शन रिलेटेड टू द ड्यूअल प्रॉब्लम्स. दैट इज हाउ वी कैन इंटरप्रेट द ड्यूअल प्रॉब्लम्स, दैट इज इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशंस. सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन द लास्ट क्लास दैट फ्रॉम आर फाइनल सिंप्लेक्स टेबल वी कैन फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशंस फॉर ड्यूअल वैल्यूज एज वेल, राइट? फाइनल सिंप्लेक्स से वी कैन फाइंड द ड्यूअल, वी कैन फाइंड द प्राइमल सॉल्यूशन, we can also find the dual solution. And if you can recall, dual solution kaise nikala tha? Humne nikala tha greater than or equals to type equations when there is a surplus variable, to hum absolute value lenge cj minus zj rho ki. Theek hai, agar less than equals to type hoga, to fir hum slack variable ki positive value lenge cj minus zj rho mein. Aur agar artificial variable hoga, to hum lenge z. Khali zj wali rho aap. ठीक है, ये चीज हमने लास्ट क्लास में करा था. तो अब अगर आप यही दोबारा से सोचोगे तो हम एक्चुअल में क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द शैडो प्राइजेस ऑफ द रिसोर्सेज, राइट? क्योंकि शैडो प्राइजेस क्या होती है, शैडो प्राइजेस आर ऑल्सो द सेम दैट वी आर टेकिंग द सी जे माइनस जेड जे रोज वैल्यू फॉर ईच ऑफ द स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स, वो शैडो प्राइजेस होती हैं. सिमिलरली जो ड्यूअल की जो हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, दीज आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम द सेम सी जे माइनस जेड जे रो, राइट? सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द शेडो प्राइजेस ऑफ द रिसोर्सेज. ठीक है, सो जो ड्यूअल वैल्यूज होती हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द शेडो प्राइजेस. दोनों का मतलब इज सेम. ठीक है, सो इन प्रोडक्शन प्रॉब्लम द शेडो प्राइजेस इंडिकेट्स विच ऑफ द रिसोर्सेज शुड बी गिवन प्रायोरिटी. एंड आई थिंक वी हैव डन वन क्वेश्चन ऑन दैट एज वेल, दैट आउट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इन केस वी हैव टू गिव एन इम्पॉर्टेंस टू ओनली वन रिसोर्सेज, देन वी कैन फाइंड आउट whosoever is having the maximum absolute value under the corresponding slacks or surplus variables in the cj minus zj row, right? हम row में देखेंगे जिसका सबसे ज्यादा maximum absolute value होगा, हम उसको सबसे ज्यादा importance दे देंगे. हम लोगों ने एक और concept सीखा था कि अगर हमारे simplex table में अगर कोई भी slack variable है, तो उसका मतलब वो अंडर यूटिलाइज्ड है, इट्स नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड. तो एक तो आप वहां से प्रेजेंस देख सकते हो, सिमिलरली आप उसकी अंडर यूटिलाइजेशन देख सकते हो अगर सी जे माइनस जेड जे रो में उस स्लैक वेरिएबल का जो वैल्यू है दैट इज जीरो. सो द रिसोर्सेज विद अ जीरो शैडो प्राइजेस आर द अंडर यूटिलाइज्ड वंस एंड दे हैव स्पेयर कैपेसिटी, इट मीन्स दे आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड. अगर नेगेटिव है सी जे माइनस जेड जे रो में, इट मीन्स इट इज फुल्ली यूटिलाइज. पॉजिटिव है तो भी इट इज फुल्ली यूटिलाइज, बट इफ इट इज जीरो, इट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज, इट इज अंडर यूटिलाइज. ठीक है, सो बेसिकली हम अभी तक इन सब के बारे में वर्बली कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए आए हैं. अब हम इसको दोबारा से एक बारी थ्योरिटिकल पॉइंट से फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि ड्यूअल और शैडो क्या होते हैं. बेसिकली दे आर सेम and they can always be derived from the final simplex table, and these are resources, and resources always denoted by your slack or surplus variable. Artificial variable ka koi meaning nahi hota, wo fictitious hote hain. Theek hai, so let's do this question. This is the final simplex table and this is maximization objective. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल टेबल, दिस इज नॉट द इनिशियल टेबल, दिस इज द फाइनल टेबल. दीज आर आवर कॉन्ट्रीब्यूशन, बेसिक वेरिएबल्स, एवरीथिंग. इट इज इंटायरली सिमिलर टू व्हाट वी एक्चुअली मेड इन आवर नोटबुक्स, राइट? दिस इज इन द सेम फॉर्मेट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट डू यू बिलीव दैट दिस इज द बेस्ट प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी. ओके, so now my objective is maximization, and the rule for checking the optimality for maximization is that all the values in the cj minus zj row should be less than or equals to zero. Okay, now you have to check for each value, all the values in this particular row are less than or equals to zero, it means we have achieved the optimal solution. And this is the best production strategy. So the company should produce 10 units of X1 commodity, 40 units of X2 commodity with the overall profit, whatever be the maximization objective. So I'm assuming it to be as profit. So 1900 profit. So
So first question answered that yes, this is the best production strategy because it is the solution is giving the optimal values. Next question. Are all the three products produced? If not, why? Now again, you have to check what? Your basic variables. Now the company was producing three variables, X1, X2, X3. But under the basic variables, there are only two variables. There is no X3 variable. So in this case, no, the company is not producing the three products. The company is producing only X1 and X2 product. Now the question is, if not, why? You can write down that the company is not producing X3 commodity because it is not giving the, आपको ऐसे लिखना है कि the company cannot produce X3 commodity because one unit introduction of X3 commodity या whatever the product, it will reduce the profit maximization objective by 140 by 3. क्योंकि ये जो net evaluation जो होती है ना, ये contribution देती है कि अगर एक unit आएगा तो आपके profit पे क्या change आएगा. So अगर मैं X3 unit अगर एक भी बढ़ाती हूँ और इनमें से कोई रिड्यूस करती हूँ, एक बढ़ाती हूँ, नहीं इनमें से नहीं रिड्यूस करना, सॉरी, अगर मैं एक बढ़ाती हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है वो इतने से रिड्यूस हो जाएगा 140/3. तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए मेरे को X3 नहीं लाना है, मुझे खाली X1 X2 करना है क्योंकि X3 की एक यूनिट भी प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव को इतने से रिड्यूस कर देगी. नाउ रिमेंबर, हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था कि अगर कोई कस्टमर ये बोलता है कि नहीं मुझे X3 कमोडिटी चाहिए तो कितना प्राइस होना चाहिए जिससे हमारे प्रॉफिट जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उस पे इंपैक्ट ना पड़े. तो उसमें हमने यही बोला था कि अगर वो कस्टमर अगर वो कस्टमर 140/3 रुपीस दे देता है तो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव फिर उस टाइम पे भी 1900 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, आपको ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मेन एग्जाम्स में, आपको ये इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशंस वाले क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस होते हैं. लास्ट टाइम आई हैव चेक्ड दी लास्ट टाइम बिकॉज पेपर तो हुआ नहीं था, जो सेकंड ईयर वाले बच्चे थे उनको वैसे ही प्रमोट कर दिया गया था, बट जो फाइनल ईयर वालों के थे उनके ओबीई में थे और कुछ थे रीअपीयर जो फेल हो गए थे. सो जो उनका क्वेश्चन पेपर था वो क्वेश्चन पेपर इसी लाइन पे था, देवर ओनली इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशंस क्वेश्चंस, नो नॉर्मल क्वेश्चन. And I'm telling you, you guys will also get the question like this because the examiner or whosoever is making the paper, they also know that calculators are available online. So economic interpretations is not given. Itna easy nahi hai. This the student have to understand. So isliye ye questions aane ke jyada chances hain aap logo ke. So isme hamara clear ho gaya ki X3 nahi karega produce kyunki ek unit bhi X3 ki itna profit reduce kar deti hai. Now next third question. Are all the resources completely used? If not, how much of which resource is unused? Now there is two things. How you can check whether the resource is unutilized or not? You can check, there are two ways. Either the presence of the slack variable in the basic variables. So there is a presence of S3 variable. So it means S3 variable is underutilized. There is one more way to check it, that the contribution, the net contribution of that particular variable should be zero in CJ minus Z0. Dekho, humare isme last wali line likhi thi hai. The resources with zero shadow prices are the underutilized ones. So you can check both ways. Yahan pe it will be zero and yahan pe presence hoga basic variable mein. It means all the resources are not fully utilized. मतलब खाली S1 और S2 हैं जो फुली यूटिलाइज्ड है, S3 नहीं है. ना द क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर नहीं है तो कितनी नहीं है, तो कितनी नहीं है, 10. बाय 10 यूनिट्स इट इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड. ठीक है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास 10 यूनिट्स अभी भी पड़ी हैं, बट वी कैन नॉट यूज इट क्योंकि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है. सो इट इज अंडर यूटिलाइज्ड. क्लियर है सबको? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस मैम, व्हाट आर द मार्जिनल वर्थ ऑफ द रिसोर्सेज? सो मार्जिनल वर्थ क्या होती है आपकी? शैडो प्राइसेस बेसिकली. सो शैडो प्राइसेस आर आल्सो नोन एज मार्जिनल वर्थ.
ये कुछ कुछ ना अपने नोट्स में लिख लेना, ऑल दो मैंने जो पीपीटी अभी अपलोड करी है आप लोगों के वहाँ पे टीम्स प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे ये सब वर्ड्स आपको मिल जाएंगे थ्योरेटिकली, बट हम इतना वर्बली इनको नहीं बोलते तो यू गाइज माइट कन्फ्यूज, बट यू कैन फाइंड इट इन द नोट्स दैट शेडो प्राइजेस आर ऑल्सो नोन एज मार्जिनल वर्थ ऑफ द रिसोर्सेज. सो इन दिस केस दीज आर द थ्री रिसोर्सेज S1, S2, S3 एंड दीज आर द मार्जिनल वर्थ. जो मार्जिनल वर्थ हो, शेडो प्राइजेज हो, या फिर आप मतलब रिसोर्सेज कितने यूटिलाइज नहीं है, जो भी वैल्यूज आप देखोगे हमेशा एब्सोल्यूट में ही देखना. सो दीज आर द एब्सोल्यूट वैल्यूज. सो 50/3, 20/3 एंड 0, दीज आर द मार्जिनल वर्थ. मतलब इनको कभी नेगेटिव में मत लिखना, ऑल दो इनका मीनिंग ऐसे ही होता है कि रिड्यूस होता है, बट ऑलवेज राइट देयर वैल्यूज इन द पॉजिटिव वे ओनली, कि इसकी इतनी मार्जिनल वर्थ है, इतना शेडो प्राइजेज है, मतलब सबका पॉजिटिव लिख देना. देन नेक्स्ट वन इज वॉट हैपन्स इफ मशीन आवर्स आर लॉस्ट ड्यू टू सम मैकेनिकल प्रॉब्लम. अब सबसे पहले देखो देयर आर थ्री रिसोर्सेज एंड ओनली S2 रिसोर्सेज के बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट, कि S2 है ये मशीन आवर्स थे, फॉर एग्जाम्पल आपका ये रिसोर्स था एंड अराउंड कितने, वट इफ मशीन आवर्स पूरे के पूरे लॉस्ट हो गए हैं. आई थिंक क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. I think if 15 machine hours are lost, इसमें बोल रहा है कि अगर 15 hours of machine are lost, which is denoted by your S2 variable due to mechanical problem, then what will be the impact on the profit? So profit है मेरा, अभी मेरा current profit है 1900, but इसी के corresponding if you see आपका ZJ जो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है दैट इज 20/3. सो अगर 20/3 जो आपका वट एवर बी द रिसोर्सेज उसका कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है प्रॉफिट में, 1900 है ना आपका प्रॉफिट, सो उसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है दैट इज 20/3 ऑफ योर स्लैक वेरिएबल 2 विच इज डिनोटेड बाय मशीन आवर्स. और कितने आवर्स लॉस्ट हुए हैं, 15. सो 15 इंटू 20/3 दिस इज बेसिकली 100. इट मीन्स योर प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय 100. So, अगर मशीन आवर्स 15 मशीन आवर्स लॉस्ट होते हैं तो आपका प्रॉफिट विल फॉल टू 1800 रुपीज. दिस इज इट्स मीनिंग. ठीक है, सो ऐसे एग्जाम्पल में कोई और रिसोर्सेज भी आ सकती हैं आपकी, कि S1 का अगर रिड्यूस हो जाता है या S3 का कुछ हो जाता है, तो फ्रॉम दीज ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस यू कैन फाइंड आउट किसकी क्या इस पे क्या इफेक्ट आएगा. ठीक है, सो दिस वॉज S3, सो इट S2, तो S2 के corresponding you can see that it is 20/3. Is this clear? So there are so many questions in the books which you can practice. मतलब different different types के हैं, although सबका interpretation is same, but there are some interesting questions which you can practice, जिसमें कहीं पे ratios हैं, कहीं पे वही है कि कोई loss हो जाता है, किसी में normal loss हो जाता है. So there are so many questions which you can practice. But mostly we have already completed. ठीक है, after that there is one more question to practice and it will cover almost all the topics that we have discussed so far. So this one question will, if we can recall all the types, then you guys are confident that you can solve it. Because इससे बड़ा question कुछ भी नहीं है, almost all the concepts are there. So just take 2 minutes, just read it and try to understand, okay? Then I'll start.
Okay, so many of times you will go get a question as per this table. Like you have to calculate your ZJ, you have to calculate your CJ minus ZJ. Sometimes the quantity column instead of in the second column, it will be at the last column. Okay, so they can just change the column numbers as well. But first step is you have to make the entire table in your own format. Okay, so I'm just Excel dikh raha hai na sabko? Yes, ma'am. कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो ओके सो दिस इज आवर टेबल जस्ट अ मिनट ओके सो फर्स्ट वन था 20x3 इस फॉर्मेट में क्यों आ रहा है ठीक है 20x3 got 20x3 Then next is 1x3, next is 5x6, then minus 5x3, right, 100010, then again 1x3, then minus 1x6, then minus 2x3. Then next is minus 1x3. Then it is 2x3. Then it is again minus 1x3. ठीक है then 001. So हमने पूरा question अभी copy paste कर लिया. Now we will calculate ZJ. So it is हाँ इसमें अभी हमने coefficients भी add करने हैं. So हमने एक column बना लिया अपना coefficients का. और x2 का आई नो इट इज 4, x3 का 3 एंड s3 0. ठीक है हमने अपने कोफिशिएंट्स लिख दिए. नाउ आई कैन सिंपली जस्ट आई कैन आल्सो यूज द सम प्रोडक्ट फॉर्मूला इन एक्सेल बट आपको ये मैन्युअली करना है सो आई एम जस्ट डूइंग मैन्युअली दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इसको जरूरत ही नहीं करने की और इसको भी आई एम फिक्सिंग ओके क्योंकि इसमें सब में वो लगा हुआ है ना चलो खुद से कैलकुलेट करते हैं वैल्यू बताओ इसकी क्या आ रही है 50 एंड दिस विल बी 80x3 सो इट विल बी 230x3 for x1 it will be 4x3 plus 15x6 so ये आप साइड बाय साइड एक बारी क्रॉस चेक करते रहना
3 by 6. Just cross check it. This should be the value. We just have to multiply the coefficients of this numbers under this column with the corresponding elements of the respective columns. So your answer should be this. 80 and 150, 230 by 3. This will be 4 by 3 plus 15 by 6. So it will be minus me plus and I be 23 by 6. Then it is 4. It is 3. It will be 4 by 3. This will be. This one will be 5 by 6. 2 by 3. It is same. Now we have to calculate CJ minus ZJ. So that you can calculate. So 2 minus 23 by 6. So 12 minus 23 by 6. So it will be minus 11 by 6. It will be 0. Again 0. It will be minus 5 by 6. It will be minus 2 by 3. And it will be minus 1. Okay, so we have made our table and we have calculated CJ minus ZJ rho. Now, first question, is the solution feasible? So, what is the condition for checking the feasibility? Anyone? Feasibility, how we check the feasibility? So when we did the infeasible solutions, the reason for checking whether the solution is infeasible or not, we have to check the presence of artificial variable. So if the artificial variable is there under the basic variable column, we say that the solution is infeasible. But in this case, there is no artificial variable. So it means the solution is feasible, yes. So it is a yes, that the solution is feasible. Next, is the solution optimal? Now we know that the objective is maximization. So now see, all the values under the CJ minus ZJ rho are less than or equals to 0, right? So yes, this solution is optimal. Third, is the solution unbounded? So what are the conditions for unbounded? Unbounded check karne ke liye kya hota hai, jo bhi hamara outgoing variable ko nikalne ke liye hum jo ratio nikalte hain, wo sari ratios negative hoti hain. If they are negative, we say that the solution is unbounded. But in this case, there is no such case. We have already arrived at the optimal solution. We don't have to, we are not identifying any incoming variable. We cannot identify any outgoing variable. So there is no question around the unbounded solution. So in this case, the solution is not unbounded, because we have already reached to the optimal solution. Is the solution degenerate? So what is the condition for degenerate? Batao. What is the condition? Aapko quantity column dekhna hota hai degeneracy ke liye. Agar quantity column mein kisi bhi basic variable ki value 0 hai, to we say that this is degenerate. But in this case, it is not so. So the solution is not degenerate. For every question, you have to give the solution along with the answers, reasons that why it is not so. Next,
Does the problem have multiple optimal solutions? If yes, give an alternative optimal solution. Now the question arises for multiple optimal solution. Multiple optimal solution, the condition says that apart from basic variables, if any non-basic variable has a zero in the CJ minus ZJ row, we say that it is a multiple optimal. Now go back to your table. In this case, the non-basic variable is x1. It's x1. Now check whether there is zero here or not. It is not here. So it means there is no multiple optimal solution. Whatever the solution that we have received, that we have achieved, it is the best optimal solution. ठीक है ना, x1 पे है और आपके ना s1 पे है ना s2, कहीं पे भी जीरो नहीं है, मतलब कहीं से भी आप उसको नॉन बेसिक वेरिएबल, मतलब आप किसी और को इनकमिंग वेरिएबल नहीं ला सकते हो, कोई भी किसी की भी नॉन बेसिक वेरिएबल की वैल्यू जीरो नहीं है. सो इन दिस केस इट डज नॉट हैव मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन. नेक्स्ट, व्हाट आर द शैडो प्राइसेस ऑफ द थ्री रिसोर्सेस? सो व्हाट आर द शैडो प्राइसेस? So what will be the shadow prices? Shadow prices तो अभी कराया है, क्या है इसकी shadow price? So the shadow prices are 5/6 for S1, 2/3 for S2, and 1 for S3. You have to take the absolute values. The last one is, which of the product is not being produced and why? X1 is not produced because one unit of X1 will reduce the profit objective by 11/6 rupees. That is why X1 is not produced. Formulate the dual and find the optimum values of the dual variables. So now you have to formulate the dual. And for formulation of dual, you have to first see about all the slack, surplus or artificial variables are there in the solution. So in this case, there are three decision variables and three slack variables. Why I am saying them as slack variables? Because the problem is maximization. Okay, so now for me it is very easy that there are three resources. So let y1, y2 and y3 be the dual variables. In this question, the original coefficients are not given, right? Haan, so isme aap formulation nahi kar sakte. You can just find out the values. Formulation part is not possible, reason being the initial table is not given. This is the final simplex table. So all these, whatever the coefficients are there, these are not the true coefficients of the initial problem. So formulate part you cannot do. You can just find the optimum values of the dual variables. So what will be the optimum values? Y1 will be 5/6. Y2 will be 2/3, and y3 will be -1. So these are the dual values of the dual variables that you can easily take from your simplex, all the absolute values. So it is 5/6, 2/3, and 1. These values are also changed, so we cannot even cross check whether we are getting the same values or not, because this is the final table which is given. So you cannot formulate from this table. You need the initial table in order to formulate your dual variables. Okay, so this complete from my side.